हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 13.3 क्वाड्रिलेटरल्स। और हाँ बच्चों, इससे पहले मैं एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 को सॉल्व कर चुका हूँ। उन सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी डिटरमाइन द सम ऑफ द एंगल्स एंगल सी एंड एंगल डी। तो देखिए बच्चों, ये है आपका पैरेललोग्राम एबीसीडी और आपको सम निकालना है इस एंगल का और इस एंगल का। देखिए, जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर हम लाइन यहां पर ड्रॉ कर दें, इन दोनों लाइंस को कट करती है, तो ये जो तीसरी लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, अब देखिए यहां पर कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ठीक है, लेट्स से इस एंगल को मैंने नाम दिया एक्स और इसको दिया वाई। ओके, इस एंगल को मैंने नाम दिया ए और इस एंगल को नाम दिया मैंने बी। तो ये जो एंगल्स हैं एक्स वाई एंड ए बी, दीज आर नोन एज को इंटीरियर एंगल्स, या फिर हम इनको बोल सकते हैं कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल्स। यानी कि x प्लस वाई अगर मैं कर दूं, x प्लस वाई, दिस विल गिव यू 180 डिग्री। ओके, इन द सेम मैनर कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल्स a प्लस बी ऑल्सो गिव यू 180 डिग्री। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि एंगल c एंड एंगल d आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल CD, ओके, मैंने आपको बताया। देखिए, अगर इसी कंसेप्ट को यहां पर हम अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से देखोगे कि लेट से आपका दो पैरेलल लाइन है, कौन कौन सी, AD एंड BC, ठीक है, ये आपका AD है एंड ये आपका BC है। ओके, यहां पर देखिए जो आपका DC लाइन है, ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट करता है। दैट मीन्स एंगल डी एंड एंगल सी, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, बिकॉज दीज एंगल्स आर ऑल्सो दी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर आप लिख सकते हैं देयरफोर एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी If angle B is equal to 135 degree, determine the measures of its other angle. Okay? तो देखिए, ये आपका एक पैरेललोग्राम है ABCD। अब यहां पर एंगल B का वैल्यू आपको गिवन है। ओके, यहां पर हम लिख लेते हैं 135 डिग्री। ओके, अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ इट्स अदर एंगल्स, यानी कि बाकी एंगल्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए, जो भी फिगर आपको गिवन है, जैसे यहां पर आपको गिवन है पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की जितनी भी यू कैन से प्रॉपर्टीज हैं, ओके, वो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, और वो क्या है, देखिए, हम कहते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। ओके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। ओके, इसके बाद एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी कहती है
कि जो आपके कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन में देखा एक रूल कि वहां पर कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि अब यहां पर एंगल ए प्लस एंगल डी हम ले सकते हैं, ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल सी ले सकते हैं, ओके, एंगल बी प्लस एंगल सी ले सकते हैं, या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी ले सकते हैं। तो इन सभी पेयर्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, यहां पर एक एंगल का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 135 डिग्री। अब यहां पर आप अप्लाई कर देंगे कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल वाला रूल, ओके, या तो आप एंगल ए ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं एंगल सी, ओके। मैं यहां पर लिख देता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। ये क्यों होगा? बिकॉज दे फॉर्म कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल्स, ओके, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। इसके बाद सिंपली आप एंगल बी का वैल्यू पुट कर देंगे, ओके, तो एंगल ए का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, तो आप कर देंगे 180 माइनस 135, ओके, देन यू विल गेट 45 डिग्री, ओके, तो एंगल ए का वैल्यू आपके पास आ गया 45 डिग्री, और आपके पास एंगल बी का वैल्यू ऑलरेडी था गिवन क्वेश्चन में, ठीक है, और आपको बाकी जो एंगल्स हैं दैट मीन्स एंगल डी और एंगल सी, इनका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बच्चों अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो यहां पर जो वैल्यू एंगल बी का है वही एंगल डी का होगा, दैट मीन्स ये एंगल भी 135 डिग्री होगा। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। अब देखिए एंगल ए का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 45 डिग्री, तो आप यहां पर कह सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दैट मीन्स जो वैल्यू एंगल ए का है वही वैल्यू एंगल सी का होगा 45 डिग्री, ओके, तो एंगल बी एंड एंगल डी, ओके, इनका वैल्यू क्या आ गया 135 डिग्री, ओके, और आपके पास एंगल ए और एंगल सी का वैल्यू 45 डिग्री, ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। एबीसीडी इज ए स्क्वायर, AC and BD intersect at O, state the measures of angle AOB। तो देखिए ये है आपका स्क्वायर ABCD, ओके, और आपकी दो लाइन है AC and BD जो कि आपस में इंटरसेक्ट करती है O पॉइंट पर, ओके, तो ये आपका O पॉइंट है और यहां पर आपको फाइंड करना है एंगल AOB का वैल्यू, ओके, कि ये एंगल कितना है, दिस वन AOB, इस एंगल का वैल्यू कितना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो स्क्वायर की डायगोनल्स होती हैं वो हमेशा बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को एट द राइट एंगल। इसका सिंपल सा मतलब है यहां पर चार एंगल हैं, तो चारों एंगल्स का जो वैल्यू है दिस शुड बी 90 डिग्री ईच, ओके। अब चाहे आपसे कोई सा भी एंगल पूछा हो आप आराम से बता सकते हैं, अगर आपको ये जो रूल है अगर आपको मालूम है, ओके, तो आप इजीली कह सकते हैं कि यहां पर हर एंगल का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री का होगा। बिकॉज हम यहां पर लिख देते हैं सिंस यू नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट Each other at right angle. Therefore, you can say angle AOB should be 90 degree. Okay. So this is the answer for this problem. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल विद एंगल एबीडी इज इक्वल टू 40 डिग्री, डिटरमाइन एंगल डीबीसी, ओके। तो देखिए ये आपका रेक्टेंगल है एबीसीडी, ओके, अब यहां पर देखिए आपको वैल्यू गिवन है एंगल एबीडी की कितनी है 40 डिग्री, ओके, तो ये बनता है आपका एंगल एबीडी एबीडी, ओके। अब आपसे पूछा है वैल्यू एंगल डीबीसी का, तो ये आपका एंगल डीबीसी है, ओके। तो बच्चों इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, आई डोंट थिंक सो कि इससे आसान कुछ हो सकता है,
आपको मालूम होना चाहिए कि रेक्टेंगल के अंदर एवरी कॉर्नर एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ओके, चाहे एंगल डी हो, चाहे एंगल ए हो, चाहे एंगल बी हो या फिर एंगल सी हो. ओके, तो बच्चों आप इन दोनों एंगल्स को देखिए. ओके, आप ऐड करेंगे तो आपके पास 90 डिग्री ही आना चाहिए, है ना. तो सिंपली आप इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, तो एंगल ए बी डी का वैल्यू आपको गिवन है 40 डिग्री, प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, तो सिंपली आपके पास यहां पर वैल्यू आ जाएगा डी बी सी का 90 माइनस 40. ओके, दैट मीन्स एंगल डी बी सी होगा आपका 50 डिग्री. तो बच्चों आप इसको बिना सॉल्व किए भी आप इसका आंसर बता सकते हैं. सिंपली आपको यहां पर इस फिगर को ऑब्जर्व करना है. ओके, इन दोनों एंगल्स का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आना चाहिए. ओके, तो आप सिंपली क्या करेंगे, 90 में से 40 को माइनस कर देंगे, वही आपका दूसरा एंगल होगा. ओके, सो दिस वॉज क्वाइट ईजी.